इफ आई कांट पिक्चर इट आई कांट अंडरस्टैंड इट, अल्बर्ट आइंस्टाइन। वेलकम स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने काइनेमेटिक्स ऑफ कंस्टेंट मोशन में दो मेथड डिस्कस किए, यूज ऑफ कंस्टेंट इक्वेशन एंड विजुअल इंस्पेक्शन। थर्ड मेथड जो हमें डिस्कस करना है वो एनर्जी मेथड है। एनर्जी मेथड पर जाने से पहले हमें कुछ बातें न्यूटन्स लॉ की सीखनी होंगी, क्योंकि एनर्जी और वर्क जहां आप समझते हैं वहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी। डिस्प्लेसमेंट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम काइनेमेटिक्स, बट फोर्स आप वैसे तो जानते हैं, बट डिफरेंट सिचुएशंस में कौन सी बॉडी का कितना फोर्स कहां किस पर होगा बिना ये एस्टीमेट किए, इस मेथड को समझना बहुत मुश्किल है। तो हम एनर्जी मेथड न्यूटन्स लॉ में फोर्सेस डिफरेंट टाइप्स के, कौन सी बॉडी किस पर कितना फोर्स लगाती है, ये एनालाइज करने के बाद हम विजुअल इंस्पेक्शन की बात करेंगे। लेकिन अभी ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आज हम इस पर कुछ मिसलिनियस एग्जांपल्स लेंगे। आपको एक होम असाइनमेंट भी दिया गया है, आपने उन क्वेश्चंस को ट्राई किया होगा। आप उनमें जो भी डिफिकल्टीज हों, इस लेक्चर्स के सारे एग्जाम्पल डिस्कस करने के बाद, सीखने के बाद, आप अपनी उन डिफिकल्टीज को सेल्फ रिजॉल्व करने की कोशिश करें, और उसमें अगर आपको डिफिकल्टी फिर भी होती है देन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम मी। आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और उस पर हम उन आपकी डिफिकल्टीज को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम कुछ वेरियस टाइप्स मिसलिनियस एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल वन, द ब्लॉक ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटीज 1 cm and 2 cm/s अपवर्ड्स रेस्पेक्टिवली। बोथ द ब्लॉक्स आर सस्पेंडेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल थ्रेड फ्रॉम ए पुली अटैच्ड ऑन द सीलिंग ऑफ ए लिफ्ट एज शोन इन द फिगर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट। सो दैट इज सिचुएशन। यू कैन सी हियर, दिस इज कैबिन ऑफ द लिफ्ट एंड हियर ऑन फ्रॉम द सीलिंग देयर इज ए पुली, एंड इस पुली पर एक थ्रेड की हेल्प से दोनों ब्लॉक ए एंड बी सस्पेंड किए हुए हैं। नाउ व्हाट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राउंड, द ब्लॉक ए इज मूविंग अपवर्ड विद 1 cm/s एंड ब्लॉक बी इज मूविंग अपवर्ड विद 2 cm/s। एट फर्स्ट साइट दिस डाटा मे कंफ्यूज यू, क्योंकि अभी तक तो हमने देखा था जितना ही ब्लॉक ऊपर जाएगा उतना ही ब्लॉक नीचे आएगा, लेकिन वो केस कब था जब ये पुली स्टेशनरी रहती थी, स्टेशनरी सीलिंग से अटैच रहती थी, बट यहां ये पुली मूविंग सीलिंग से अटैच है, तो ये वेलोसिटीज अल्टर्ड हो सकती है। सो डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम दीज टू डिफरेंट वेलोसिटीज। नाउ सिंपली हमें तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो अप्लाई करेंगे एंड देखते हैं क्या हमें रिजल्ट मिलते हैं। द लिफ्ट एंड द पुली आर मूविंग टूगेदर, so velocity of the lift is equal to that of the pulley. देखिए, एक पहली बात, पुली लिफ्ट की सीलिंग से अटैच है तो दोनों साथ साथ मूव करेंगे, तो जो वेलोसिटी लिफ्ट की होगी वही वेलोसिटी पुली की होगी, तो हम चाहे तो पुली की वेलोसिटी फाइंड कर लें। नाउ हियर द ग्राउंड शुड बी अज्यूम द फिक्स्ड रेफरेंस। अब यहां पे सीलिंग फिक्स्ड रेफरेंस नहीं ले सकते, बिकॉज एक तो हमें उसी की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो अगर उस सीलिंग फिक्स्ड रेफरेंस लेंगे तो आपको उसके रेस्पेक्ट में सारी वेलोसिटीज मिलेंगी। एक और, हम रेफरेंस फ्रेम कौन सा सेलेक्ट करते हैं। एक्चुअली पहली गाइडलाइन ये है कि किसी सिचुएशन में जो क्वांटिटीज यूज करनी हो हमें, या जो क्वांटिटी पूछी हो किसी पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम के लिए, तो आप वही रेफरेंस फ्रेम यूज करें। तो यहां 1 cm/s वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, 2 cm/s वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, बोथ वेलोसिटीज आर गिवन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, as well as velocity of the lift is asked with respect to ground, so we have to use ground reference frame. अभी तक की प्रॉब्लम में जो सीलिंग होता था वो ग्राउंड के साथ फिक्स होता था, तो ग्राउंड का रेफरेंस फ्रेम या सीलिंग का रेफरेंस फ्रेम एक ही बात थी, बट यहां ये सीलिंग मूविंग है, सो वी शुड टेक ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम एंड हाउ वी कैन मेटलाइज इट। से हियर ऑन द ग्रीन बार ग्राउंड इज शोन, एंड यहां से आप तीनों ऑब्जेक्ट की पोजिशन शो कर सकते हैं। ब्लॉक ए की हमने टॉप पोजीशन ले लिया, ब्लॉक बी की टॉप पोजीशन एंड पुली का ये पोजीशन, ऐसा हमने इस लिया कि इस गैप से देखिए और इस गैप से, दोनों गैप से स्ट्रिंग के दोनों वेरिएबल पोर्शंस आ जाएंगे जो कि हमें कंस्टेंट इक्वेशन लिखने हैं। व्हाट
तो कंस्टेंट इक्वेशन लिखते थे हमने लास्ट टाइम, अगर आप देखें तो हर प्रॉब्लम में एक ही बात की थी, सम ऑफ ऑल वेरिएबल पोर्शंस ऑफ ए स्ट्रिंग इज एल। एल यूजुअली कॉन्स्टेंट बट समटाइम्स दिस एल में भी वेरिएबल। सपोज अगर स्ट्रिंग का कुछ पोर्शन किसी रोप मोटर से वाउंड या अनवाउंड हो रहा हो तो, बट यहां कोई मोटर है नहीं, तो यहां पर सारे वेरिएबल पोर्शन जो स्ट्रिंग के उनके लेंथ का सम कांस्टेंट होगा, यही हमारा कांस्टेंट है। सो ये वी ए वी बी दिखा दें, ये वी ए वी बी दोनों अपवर्ड है तो दोनों अपवर्ड दिखा दिया। सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग इज ए कॉन्स्टेंट से एल। वेरिएबल पोर्शन कौन कौन से स्ट्रिंग के, अगर आप देखें यहां से ये जस्ट सी, यू कैन सी दिस एक्स बी एंड दिस एक्स बी एंड दिस पोर्शन फ्रॉम हियर टू हियर, ये एक वेरिएबल पोर्शन हुआ और ये पोर्शन फाइंड करने के लिए आप एक्स पी में से एक्स बी माइनस कर दें। दूसरा स्ट्रिंग का जो वेरिएबल पोर्शन हुआ वो यहां से यहां तक हुआ ये, इसको फाइंड करने के लिए आप अगेन एक्स पी में से ये एक्स ए फाइंड कर माइनस कर दें, तो ये सेकेंड वेरिएबल पोर्शन मिल जाएगा। और ये जो पोर्शन स्ट्रिंग का इस पुली के ऊपर यहां पर है, ये इसकी लेंथ हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, तो जो वेरिएबल पोर्शन है वो केवल यहां से ये यहां से यहां तक क्या होगा एक्स पी माइनस एक्स ए, और ये पोर्शन एक्स पी माइनस एक्स बी, इनका सम कांस्टेंट होगा और वही होगा एल। सो एक्स पी माइनस एक्स ए प्लस एक्स पी माइनस एक्स बी इज इक्वल टू एल। नाउ जस्ट रीअरेंज इन टर्म व्हाट वी हैव, टू एक्स पी माइनस एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू एल, एंड ऑन डिफरेंशिएटिंग व्हाट वी गेट, 2xp dot minus xa dot plus xp dot is equal to 0 because L is a constant. And अभी vb va की values रखते हैं और हम पुली की velocity upward मान लें तो xp dot vp positive होगा. So 2vp minus va plus vb equal to 0. So what we have, vp is equal to va plus vb upon 2. So in this way ये हम वैल्यूज रखेंगे और पुली की वेलोसिटी अपवर्ड आएगी क्योंकि VA और VB दोनों ही पॉजिटिव हैं। सो व्हाट वी कैन से हियर, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज, VP इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई 2 मीन्स 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। हियर अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट वी टेक, व्हाट इज दैट, यू मे रिमेंबर द इक्वेशन 1 एंड यूज इट एज ए फॉर्मूला। Actually, this technique is used in so many books. But personally, what I suggest you, remembering such a formula and using it will kill you, your analytical strength. But I recommend you not to do this because such practice will kill your natural analytical strength. Ek baat aur, ye jo special formula, ye to keval pulley ke case mein use hoga. लेकिन जो हम जनरल मेथड सीख रहे हैं डिफरेंट सिचुएशन में कांस्टेंट इक्वेशन बनाना, वो तो हर सिचुएशन के लिए है। तो मैं आपसे हमेशा रिकमेंड करूंगा कि अपनी स्पीड फास्ट करने के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूले याद करने की कोशिश ना करें, स्पेशली फॉर आईआईटी एडवांस एग्जामिनेशन। एंड वैसे भी अगर देखें तो ये इक्वेशन बनाना कोई बहुत लेंदी काम तो नहीं है, तुरंत बना लेंगे। एंड इसकी जगह इक्वेशन याद करना और उसको सब्स्टिट्यूट करना, वो कोई एडवाइजेबल वर्क नहीं है। एग्जाम्पल टू, इन द गिवन रोप पुली सिस्टम फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी। दिस सेटअप इज गिवन एंड हियर यू कैन सी टू पुलीज पी वन एंड पी टू एंड हियर ब्लॉक ए दैट इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स राइट विद वेलोसिटी वी ए एंड इससे ब्लॉक बी ऊपर जाएगा, बट ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है। सो व्हाट वी डू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट द फिक्स्ड रेफरेंसेस। अब देखिए हमें यहां ब्लॉक ए का एक फिक्स्ड पॉइंट से पोजीशन पता करनी है, तो ये पुली पी वन का एक्सेल हो सकता है, यहां से ये ब्लॉक ए की पोजिशन हम स्ट्रेट फॉरवर्डली फाइंड कर सकते हैं। टू रिप्रेजेंट पोजिशन ऑफ द ब्लॉक ए, एक्सेल ऑफ द पुली पी वन। ऐसे ही ब्लॉक बी की पोजीशन फाइंड करने के लिए, टू रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ द ब्लॉक बी, एक्सेल ऑफ द पुली पी टू, पुली पी टू ले सकते हैं। व्हाई वी आर टेकिंग पुली पी टू, देखिए कोई कैसे मूव करे, इतना पोर्शन तो स्ट्रिंग का हमेशा कांस्टेंट रहेगा,
ये तो वेरी करेगा नहीं। अब देखिए वेरिएबल पोर्शन केवल इतना है, ये यहां से ये पोर्शन ये वेरी करता है, ये तीनों पोर्शन और ये पोर्शन, ये पोर्शन तो एक्सेस अकाउंट हो गया। और अगर बी की पोजीशन के लिए हम इसको ले लें तो आप देखिए इतना पूरा पोर्शन तो एक साथ मूव करेगा, तो जो बोले वेलोसिटी बी की होगी वही इस पुली की होगी। तो इस पुली के एक्सेल को हम बी की पोजीशन शो करने के लिए यूज कर लें। तो हमारा एक फिक्स रेफरेंस क्या हो गया, ये एक्सेल ऑफ पुली पी वन जिससे हमने एक्सए मेजर कर दिया, और एक्सेल ऑफ पुली पी टू जिससे हमने पोजिशन ऑफ ब्लॉक बी शो कर दिया। और इसमें एडवांटेज क्या हुआ कि पूरी स्ट्रिंग के सारे वेरिएबल पोर्शंस काउंट हो गए। सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द वेरिएबल पोर्शंस ऑफ द स्ट्रिंग इज ए कांस्टेंट से एल। नाउ हाउ वी कैन से, अगर सारे वेरिएबल पोर्शंस लें तो एक तो ये एक्स ए आएगा, और ये यहां से यहां तक ए वाला पोर्शन ये एक्स भी है, यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन ये भी एक्स भी है, और यहां से यहां तक का पोर्शन ये भी एक्स भी है। अब देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये पूरा यहां से यहां तक ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसके लेंथ, हाँ ये पोर्शन बदलता जाएगा बट इसके लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो वेरिएबल लेंथ के पोर्शंस के लिए यही है, थ्री टाइम्स एक्स बी एंड वन टाइम एक्स ए। सो व्हाट वी हैव, एक्स ए प्लस थ्री टाइम्स एक्स बी इज इक्वल टू एल। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम व्हाट वी गेट, एक्स ए डॉट प्लस थ्री एक्स बी डॉट इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, एंड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए वी हमें मालूम है एक्स ए डॉट का पॉजिटिव वैल्यू। अब वी बी को हम अपवर्ड लेंगे क्योंकि नेचुरली वी बी अपवर्ड जाएगा, तो अगर वी बी अपवर्ड लिया तो ये माइनस एक्स बी डॉट होगा, अज्यूमिंग वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक वी बी अपवर्ड्स एज शोन इन द फिगर। ये अपवर्ड हमने शो कर दिया तो ये माइनस वी बी एक्स बी डॉट होगा। सो एक्स ए तो प्लस वी ए डॉट हो गया, मतलब एक्स ए डॉट प्लस वी ए हो गया, एक्स बी डॉट माइनस वी बी हो गया, तो यहाँ माइनस थ्री वी बी आया। एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट हियर, वी बी इज इक्वल टू वी ए बाई थ्री, और वी बी इज इक्वल टू वी ए बाई थ्री अपवर्ड्स। अपवर्ड क्यों, क्योंकि हमने अपवर्ड अज्यूम किया और वो साइन चेंज नहीं हुआ, उसी साइन का आया पॉजिटिव। इट मीन्स ब्लॉक बी विल मूव अपवर्ड विद व्हाट वेलोसिटी, वन थर्ड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए। सो दिस वॉज अगेन एन आइडिया इन। अब ये आइडियाज आपको हेल्प करेंगे हम अपने रेफरेंसेस कैसे सेलेक्ट करें और मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशंस कैसे सेलेक्ट करें, कि नेचुरली जो स्ट्रिंग के वेरिएबल पोर्शंस हो वही हमारे काउंटिंग में आए। एग्जांपल थ्री, इन द गिवन रोप पुली सेटअप फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी। सो दिस इज सिचुएशन, ये पी टू है, पी वन है, वी ए है, ये ब्लॉक बी है। नाउ अगर हम ब्लॉक ए को इधर पुल करेंगे तो पुली इधर जाएगी और ब्लॉक बी ऊपर जाएगा, और ब्लॉक बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है। नाउ हियर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज नॉट गिवन, इफ वी विल नीड दैट हम अज्यूम कर लेंगे, हो सकता है उसकी जरूरत पड़े, हो सकता ना पड़े, बट अभी एक माइंड ओपन रखें, अगर जरूरत पड़ेगी तो ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल कोई थीटा या अल्फा हम अज्यूम कर लेंगे। नाउ सॉल्यूशन, तो पहला हम फिक्स रेफरेंस लें, अगर P1 पुली का एक्सेल ले लें तो ये स्ट्रिंग लेंथ ये ब्लॉक ए की पोजीशन शो कर देगी, और यहीं से हम ये XP ले लेंगे तो पुली P2 की पोजीशन शो हो जाएगी। फिक्स रेफरेंस और रेफरेंसेस फॉर द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक ए, एक्सेल ऑफ द पुली P1, फॉर द पोजीशन ऑफ पुली P2, एक्सेल ऑफ द पुली P1। तो ये पहले के हिसाब से देखो हमने XA शो कर दिया और यहीं से हमने XP शो कर दिया, और यहीं से हम चाहें तो एक्स बी शो कर सकते हैं। सो फॉर पोजीशन ऑफ द ब्लॉक बी, एक्सेल ऑफ द पुली पी वन, तो पुली पी वन के एक्सेल से सारे पोजीशन कोऑर्डिनेट शो हो गए। नाउ अब देखिए ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का एंड यहां बधा हुआ है, और इस स्ट्रिंग के लेंथ को स्पेसिफाई करने के लिए हमें इसकी पोजीशन जरूरत पड़ेगी, तो हम ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक इसको भी कुछ वैल्यू दे दें, से एलपी। हो सकता है एलपी की जरूरत पड़े, हो सकता है जरूरत ना पड़े, बट ये स्ट्रिंग का एंड है, तो स्ट्रिंग के कोई एंड अगर जा रहा हो फ्री या कहीं अकाउंट नहीं हो रहा हो तो उसको भी एक पोजीशन कोऑर्डिनेट दे दें। नाउ टोटल लेंथ ऑफ द वेरिएबल पोर्शंस ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द ब्लॉक ए एंड द पुली पी टू इज से एल वन। ब्लॉक ए
से पुली पी टू के बीच की स्ट्रिंग का टोटल पोर्शन जो है, ये एक वेरिएबल पोर्शन ये और एक वेरिएबल पोर्शन ए, इसका टोटल लेंथ हम एल वन मान लें, तो हमारी इक्वेशन होगी एक्स ए प्लस एक्स पी इज इक्वल टू एल वन। अब देखिए ये इतना पोर्शन जो स्ट्रिंग का पुली पर रहेगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो वेरिएबल पोर्शन ने यहां से यहां तक लिया। अब ये गलती ना करें कि एल वन स्ट्रिंग लेंथ नहीं है, एल वन इस स्ट्रिंग के सारे दोनों वेरिएबल पोर्शन की लेंथ का सम है, एक्स ए प्लस एक्स पी इज इक्वल टू एल वन, ये हमारे पहले स्ट्रिंग का कॉन्स्टेंट हो गया। अब जैसे हमने कॉन्स्टेंट इक्वेशन डिस्कस करते वक्त बात की थी, जितनी स्ट्रिंग्स होंगी उतनी कॉन्स्टेंट इक्वेशन होंगी, तो अब दूसरी स्ट्रिंग का कॉन्स्टेंट इक्वेशन लिख लें, टोटल लेंथ ऑफ ऑल द वेरिएबल पोर्शंस ऑफ द स्ट्रिंग सपोर्टिंग द ब्लॉक बी इज ए कॉन्स्टेंट से एल टू, ये भी कॉन्स्टेंट होगा क्योंकि यहां भी रस्सी कहीं किसी मोटर से वाइंड या अनवाइंड नहीं हो रही है। अब L2 क्या होगा, अब देखिए ये यहां से यहां तक का लेंथ प्लस यहां से यहां तक का लेंथ, अब ये लेंथ लेने के लिए LP की जरूरत पड़ेगी क्योंकि LP में से XP माइनस कर देंगे। अब देखिए ये यहां से यहां तक डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो ये अपने पास वेरिएबल पोर्शन की लेंथ आ जाएगी। और दूसरा क्या होगा, XP माइनस XP, सो व्हाट वी हैव LP माइनस XP प्लस XB माइनस XP से L2। L2 क्या है, ये जो स्ट्रिंग B को रस्सी कनेक्ट कर रही है उसकी वेरिएबल पोर्शंस का, अब देखिए एक्चुअली वेरिएबल पोर्शन नहीं शो कर रहे हैं वेरिएबल पोर्शन, अब ये देखो इसमें भी इतना डिस्टेंस माइनस करना था और इसमें से भी ये डिस्टेंस माइनस करना था, लेकिन ये डिस्टेंस कांस्टेंट है तो इसको हम माइनस करें या इग्नोर कर दें क्योंकि डिफरेंशिएट करना आगे जीरो होना है, तो हमने इसको यहां लिखा नहीं। नाउ रीअरेंज द टर्म, XB minus 2XP plus LP is equal to L2. Now on differentiating what you get, XA dot is equal plus XP dot is equal to 0, and here XB dot minus 2XP dot plus 0 is equal to 0, because ye 0 aega 0. Now eliminating XP dot, is equation se XP dot ki value find kare, minus XA dot aega, aur ye minus XA dot yahan rakhne se plus 2xa dot हो जाएगा, so what you get, xb dot plus 2xa dot is equal to 0. अब हम यहां variable substitute कर दें, block b naturally ऊपर जाएगा, तो उसकी velocity ऊपर की ओर मान लें, inclined plane पर, इस तरह से, substituting va and vb, vb ऊपर मान लिया, और vb minus xb dot होगा, तो xb dot की जगह minus vb रखा, और xa dot की जगह va रखा, यह आया, तो व्हाट वी गॉट, वी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वी ए अप द प्लेन, ये एरो शो करता है अप द प्लेन। सो इन दैट वे जो हमने पहले किया था एज इट इज हम स्ट्रेट फॉरवर्डली करते गए एंड वी गॉट द आंसर। हो सकता है आपको ये सॉल्यूशन देख के लगता हो कि हमें काफी ज्यादा लिखना पड़ रहा है, बट व्हेन यू डू सॉल्यूशन आपको ये मन में ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट ये सारे स्टेटमेंट तो आप मन में सोचेंगे इनको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे ये लिखना है फिर ये लिखना है ये लिखना है और डिफरेंशिएट करके आंसर फाइंड करना। नाउ यू कैन सी व्हेन यू एग्जीक्यूट सॉल्यूशन इज क्वाइट सिंपल क्वाइट इजी, बहुत लेंथी नहीं है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल 4। इन द गिवन सेटअप इफ द ब्लॉक ए इज मूविंग विद ए वेलोसिटी वी ए टुवर्ड्स द लेफ्ट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी। अब देखिए जो सेटअप जो अभी आएगा स्क्रीन पे उसमें ब्लॉक ए लेफ्ट की तरफ वी ए वेलोसिटी जा रहा है और ब्लॉक बी की वेलोसिटी फाइंड करनी है, एंड दिस इज द सेटअप। नाउ यू कैन सी अगर ये ब्लॉक ए इधर जाएगा तो ये ब्लॉक बी नीचे आएगा, ये सबको दिखाई देगा, लेकिन एक साथ साथ और क्या होगा, ब्लॉक ए के साथ ब्लॉक बी इधर भी शिफ्ट होगा, तो ब्लॉक बी के दो मोशन होंगे, वर्टिकल डाउनवर्ड एज वेल एज हॉरिजॉन्टली लेफ्ट। हॉरिजॉन्टली लेफ्ट के बारे में क्लियर है, इधर जो ब्लॉक बी की वेलोसिटी होगी वो उतनी होगी जो ब्लॉक ए की है, क्योंकि ब्लॉक ए उसको धक्का दे रहा है, और इधर ब्लॉक बी की वेलोसिटी कितनी होगी उसको आपको कंस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है, वो विजुअल इंस्पेक्शन सीधे मिल जाएगा। कैसे, जितना ब्लॉक ए इधर शिफ्ट करेंगे उतना धागा यहां से यहां छोटा होगा और उतना ही धागा यहां लटकेगा, तो ब्लॉक बी की जो डाउनवर्ड वेलोसिटी है वो भी ब्लॉक ए की वेलोसिटी होगी, और ब्लॉक बी की जो लेफ्ट वर्ड वेलोसिटी है वो भी ब्लॉक ए की वेलोसिटी होगी। अब इसको एनालाइज करते हैं, देखिए कैसे।
As the block A moves towards the left, the block B slides vertically down and simultaneously carried towards the left by the block A. मतलब ब्लॉक बी नीचे आएगा और साथ साथ ब्लॉक बी उसको लेफ्ट की तरफ कैरी करेगा, मतलब पुश करेगा. द वर्टिकल डाउनवर्ड स्लाइडिंग मोशन ऑफ द ब्लॉक बी इज रिलेटिव टू द ब्लॉक ए. ये बहुत ध्यान देने की बात है. अगर आप ग्राउंड से देखेंगे तो थोड़े टाइम बाद ये ब्लॉक बी यहां नहीं, ब्लॉक ये कुछ यहां दिखाई देगा. ब्लॉक बी का सीधा वर्टिकल मोशन तो केवल ब्लॉक ए से देखेंगे तभी दिखाई देगा. मतलब ये वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन है वो बी का ए के रेस्पेक्ट में है. और वैसे भी स्लाइडिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्लाइडिंग इज रिलेटिव मोशन विद कॉन्टैक्ट. ध्यान रहे, स्लाइडिंग इज रिलेटिव मोशन विद कॉन्टैक्ट. ये छोटा सा कंसेप्ट फ्रिक्शन एनालिसिस करते वक्त बहुत काम आएगा, आपको बहुत सारी गलतियों से बचाएगा. So, जो स्लाइडिंग मोशन हमेशा रिलेटिव होता है तो ब्लॉक बी का ए के ऊपर जो डाउनवर्ड स्लाइडिंग है वो ए के रिलेटिव मोशन है. इस बात को ध्यान रखें. दीज आइडियाज वी कैन बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द एनिमेशन. अब इस चीज को एनिमेट करके देखें एक्चुअली मोशन कैसा हो रहा होगा. व्हाट वी हैव टू विजुलाइज, द ब्लॉक बी स्लाइड्स डाउनवर्ड रिलेटेड टू द ब्लॉक ए एंड द ब्लॉक ए कैरीज द ब्लॉक बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, जस्ट लाइक ए रिवर बोट प्रॉब्लम. नाउ सी डायग्राम को हमने थोड़ा बड़ा बना दिया. अब देखिए ब्लॉक ए को शिफ्ट करेंगे एंड हाउ दे विल मूव यू कैन सी. जैसे जैसे ए इधर जा रहा है वैसे जैसे बी इधर आ रहा है और ये डैश डैश लाइन से ए और बी दोनों की इनिशियल पोजीशन शो कर दी. यू कैन अगेन सी, जस्ट सी, ये ब्लॉक ए नीचे आ रहा है और इधर जा रहा है तो हमें ग्राउंड से ब्लॉक ए यूं ज्यादा दिखाई दे रहा है. लेकिन अब इसका मतलब ये, अगर ब्लॉक ए को सीधे यहां से यहां तक देखते ब्लॉक बी को तो वो ए के रेस्पेक्ट में होता. सो हाउ वी कैन से फर्दर दिस, ये जो वी है मतलब जितना ए की वेलोसिटी होगी उतना ही बी की वेलोसिटी इधर होगी. कि जितने टाइम में ए यहां से यहां गया उतने में ही बी की यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग हुई. नाउ दिस आइडिया इज क्लियर. सिमिलरली दिस वन, ये यहां से यहां तक आना ब्लॉक का, देखो पहले ब्लॉक का ये कॉर्नर यहां पे था अब यहां गया, तो ये अगर देखे तो ब्लॉक के सहारे, ये ए के सहारे सहारे मतलब ए के रेस्पेक्ट में है. सो दैट इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए. नाउ फ्रॉम रिलेटिव मोशन दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी. So that is velocity of block B, just like river boat problem. From visual inspection, VB with respect to A is equal to VA. बिल्कुल क्लियर है. ये उतना ही नीचे आएगा जितना रस्सियां छोटी होगी और रस्सी उतनी ही छोटी होगी सिचुएशन में जितना ब्लॉक यहां से यहां शिफ्ट हुआ. देखो ये ब्लॉक A यहां से यहां शिफ्ट हुआ, उतनी रस्सी छोटी हुई तो उतनी रस्सी एक्स्ट्रा नीचे लटक गई. So here we can use visual inspection with utmost clarity. तो यहां visual inspection ही use करेंगे. Now VB is equal to V A plus VB with respect to A. और ये triangle law के हिसाब से हम इसको add कर दिया, we got VB. अब ये दोनों equal, ये भी V है. तो VB क्या होगा? VA root 2 and this angle will be 45 degree. So VB is equal to VA root 2 angle 45 degree inclined toward downwards. So that was the problem and it is very simple and again very special problem. ये ऐसी category है जिसमें interconnected bodies में से एक body दूसरी body के ऊपर चल रही होगी और दूसरी body उसको अपने साथ ले जा रही होगी. ऐसे केस में visual inspection plus relative motion, ये idea आपके लिए हमेशा बड़ा simple होगा. यहाँ equation बनाने की कोशिश ना करें. तो इसमें मैं हमेशा आपको suggest करूँगा use visual inspection and relative motion. Let us see the next problem of the same kind. Example 5. In the given setup, if the vase A is moving with the velocity VA towards the left, find velocity of the block B. This is the setup. Vase A, angle 60 degree. Ab yahan bhi jo visual inspection hai wo aap dekh sakte hain. जितना वेज ए इधर शिफ्ट होगा, अब देखिए रस्सी एक बार ही यहां पे,
तो उतना ये कॉर्नर यहां शिफ्ट होगा और इतनी रस्सी यहां एक्स्ट्रा लटक जाएगी, तो बी यहां वेज के सहारे कितना नीचे आएगा, जितना वेज ए इधर जाएगा। तो अगर वेज ए की वेलोसिटी वी इधर लें तो ब्लॉक बी की वेलोसिटी वी भी इधर होगी, लेकिन वो क्या होगी, इसके सरफेस के सहारे स्लाइडिंग वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो ये जो कैटेगरी प्रॉब्लम की, जिसमें इंटरकनेक्शन भी होगा और एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही होगी, इस केस में आप दो आइडिया यूज करें, पहला विजुअल इंस्पेक्शन से जितना सोच सकते हो और उसका रिलेटिव मोशन। लेट अस सी व्हाट वी कैन डू हियर। द सेम आइडिया, एज द वेज ए मूव्स विद वेलोसिटी वी ए टुवर्ड्स द लेफ्ट, द ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द वेज विद वेलोसिटी वी ए एंड साइमल्टेनियसली कैरीड टुवर्ड्स द लेफ्ट विद द सेम वेलोसिटी। अब यहां पे जितना वेज इधर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा, ये हमने यहां मेंशन कर दिया। अब हर प्रॉब्लम में ऐसा होना जरूरी नहीं, टाइप ऑफ इंटरकनेक्शन पर डिपेंड करता है। यहां हमने सिंपलेस्ट काइंड ऑफ इंटरकनेक्शन लिया है सिचुएशन को समझने के लिए। नेक्स्ट क्लास में इन प्रॉब्लम्स का डिफिकल्टी ऑर्डर थोड़ा बढ़ाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में मैं और लेना चाहूंगा जिससे इस टॉपिक पर आपको कंप्लीट ग्रिप हो जाए, और एक होमवर्क आपको और दूंगा जो आपको इस टॉपिक को कॉन्फिडेंस ले आए। तो यहां हम कह सकते हैं कि जितनी वेलोसिटी से वी इधर जा रहा है उतनी वेलोसिटी से वी भी इधर स्लाइड करेगा और साथ साथ इधर भी जाएगा। तो रिलेटिव मोशन से आप इक्वेशन लेके आंसर निकाल सकते हैं, बट लेट अस डू इट सिस्टमेटिकली। द डाउनवर्ड स्लाइडिंग ऑफ द ब्लॉक बी ऑन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द वेज इज रिलेटिव टू द वेज। ये बात हमेशा नोट कर लें, स्लाइडिंग का मतलब रिलेटिव मोशन, जहां भी स्लाइडिंग हो रही होगी वो रिलेटिव मोशन होगा। सो दीज आइडियाज वी कैन बेटर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। इस सिचुएशन को भी एनिमेट करें और देखें कौन कैसे मूव करेगा। द ब्लॉक बी स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द वेज रिलेटिव टू द वेज एंड द वेज कैरीज द ब्लॉक बी टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये दोनों चीजें हमें रिलेटिव एनिमेशन में देखनी है। अब ये डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा सेटअप बना दिया। नाउ सी, ये वेज इधर चला और देखो जितना इधर जा रहा उतनी रस्सी इधर बढ़ेगी। भाई जितना ये यहां से यहां आया उतनी रस्सी यहां से एक्स्ट्रा आई, तो ये बी का जो स्लाइडिंग हुई वेज के ऊपर, मतलब वेज के रेस्पेक्ट में बी की जो मोशन हुआ वो वेज का इधर शिफ्टिंग के बराबर हुआ, और दोनों एक साथ एक ही साइमल्टेनियस हो रहे हैं, एक ही टाइम हो रहे हैं। तो जो ए की वेलोसिटी होगी इस तरफ, वही बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में इस तरफ होगी। वी कैन सी अगेन, सी अब देखिए मन क्या कहता है कि ये इधर जाएगा, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमें ये यहां से यहां शिफ्टिंग दिखाई दी। फ्रॉम विजुअल इंस्पेक्शन वी हैव वी बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी ए, मतलब ये पुली जितना यहां से यहां शिफ्ट होगी उतनी रस्सी यहां से कम हो गई और रस्सी क्या आ गई, यहां एक्स्ट्रा आ गई। तो ये ब्लॉक बी एक्स्ट्रा कितना नीचे आया, वी बी विद रेस्पेक्ट टू ए के अकॉर्डिंग, मतलब जितना वेज इधर शिफ्ट किया उतना ब्लॉक ए इधर एक्स्ट्रा आया, और ये दोनों शिफ्टिंग एक ही टाइम इंटरवल में हुई, तो जितनी वेलोसिटी वेज की होगी उतनी वेलोसिटी इस ब्लॉक बी की होगी, और फर्दर मोर ये स्लाइडिंग है तो रिलेटिव होगा। सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी ए। नाउ फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन व्हाट वी कैन राइट, वी बी इज इक्वल टू वी बी विद रेस्पेक्ट टू ए प्लस वी ए। तो वी बी विद रेस्पेक्ट टू यहां डायग्राम में शो कर दिया, अब वी ए यहां से यहां तक शो कर दें तो ये वी बी हो जाएगा, ये वी ए यहां से यहां तक होगा। सो ये वी, नाउ दिस विल बी वी बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। नाउ वी बी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हियर इज वेरी इजी टू कैलकुलेट, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, सो दिस एंगल विल बी 60, ये 60 हुआ और ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल और ये 60, सी एक्स एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 180, सो 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60, तो ये दोनों एंगल भी 60-60 होंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। और नाउ वी कैन से विदाउट कैलकुलेशन व्हाट विल बी VB, VB विल बी इक्वल टू VA, फ्रॉम द ट्राइंगल वी हैव VB इज इक्वल टू VA 60 डिग्री दैट वे।
यहां ज्योमेट्री हम बड़ी सिंपलिस्टी से यूज कर पाए, क्योंकि मुझे वो कैलकुलेशन आपको नहीं समझानी, कैलकुलेशन आप कर लेंगे. हाउ वी कैन यूज दिस विजुअल इंस्पेक्शन एंड दिस रिलेटिव मोशन आइडिया. अगर ये एंगल 60 का नहीं होता, सपोज 30 का होता या 45 का होता, तो आप यहां पे कोसाइन रूल यूज कर सकते थे. व्हाट स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस माइनस दिस इनटू दिस कॉस ऑफ दिस एंगल स्क्वायर रूट इज दिस. और अकॉर्डिंगली जो ज्योमेट्री आप यूज कर सकते हैं, दैट ज्योमेट्री यूज इज नॉट ए पार्ट ऑफ फिजिक्स, वो आप कर लेंगे. बट अभी इन एग्जाम्पल्स में हमें कैसे इन आइडियाज को इंप्लीमेंट करना था वो देखना था. ये हमने देखा. तो इन दोनों कैटेगरी की प्रॉब्लम में एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 4, व्हाट द न्यू आइडिया यू हैव टेकन. इसमें क्या था, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है और दोनों इंटरकनेक्टेड है. तो जहां इंटरकनेक्ट बॉडीज में स्लाइडिंग हो रहा हो, वहां मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप विजुअल इंस्पेक्शन से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश करिए, और उसके बाद रिलेटिव मोशन का आइडिया लगा के आप जो क्वांटिटी फाइंड करनी हो फाइंड कर लें. यहां कांस्टेंट इक्वेशन वगैरह अननेसेसरी बनाने की कोशिश न करें जब तक ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो जाए. नेक्स्ट लेक्चर में मैं और कुछ वैरायटी की प्रॉब्लम्स लूंगा, क्योंकि इस टॉपिक की कुछ और वैरायटी की प्रॉब्लम लेना जरूरी है. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम टॉपिक में हम कुछ ज्यादा और वैरायटी की प्रॉब्लम लेंगे. तब तक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आज होमवर्क दिया है आपको, एंड नाउ वी हैव 15 अबाउट 10 एग्जांपल्स विद अस, 5 एग्जांपल्स इन लास्ट टू क्वेश्चंस, ठीक है, उन दोनों को अलग अलग मेथड से किया था, एंड 5 एग्जांपल्स ये, एंड 7 to 8 एग्जांपल्स यू हैव, और 9 एग्जांपल्स इन होमवर्क. सो यू हैव अबाउट 50 प्रॉब्लम विद यू. ट्राई टू डू ऑल दिस प्रॉब्लम्स विद ऑल पॉसिबल मेथड्स, जो जो आपको बताए गए हैं उन सबसे ट्राई करो और कोशिश करो कहाँ क्या करने से ईजी रहेगा. अगर आप विजुअल इंस्पेक्शन में कम्फर्ट आ रहा है तो उसको करने की कोशिश करें. एक्चुअली हमें अल्टीमेटली विजुअल इंस्पेक्शन तक पहुंच के आना है, इजिली अप्लाई करना है. जहां विजुअल इंस्पेक्शन अप्लाई कर सके वहां अप्लाई कर लें, नहीं तो कांस्टेंट मोशन की इक्वेशन तो हमारे लिए फंडामेंटल है. एंड वन मोर थिंग, मैं विजुअल इंस्पेक्शन मेथड के एक्सपर्टाइज कांस्टेंट मोशन, जो कांस्टेंट इक्वेशन का मेथड है, वो ना आने की कॉस्ट पे रिकमेंड नहीं करूंगा. आपको कांस्टेंट इक्वेशन का यूज तो आना ही चाहिए. उस पर अगर आप विजुअल इंस्पेक्शन और सुपरपोजिशन इसको आप अच्छे से कर पाते हैं तो ज्यादा एडवांटेज वाली बात है. आज की बात हम यही खत्म करते हैं और अब आज के होमवर्क की बात कर लें. रिवाइज ऑल द आइडियाज कवर्ड टूडे इन दिस लेक्चर एंड प्रैक्टिस ऑल द एग्जाम्पल्स. इन सारे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करें. Try to resolve your difficulties in the homework given today with the help of similar examples of this lecture. जो आपको मॉर्निंग में होमवर्क दिया था उसमें जो आपकी डिफिकल्टी हो, वैसे सिमिलर एग्जाम्पल इस लेक्चर में देखते हुए उन डिफिकल्टीज को रिजोल्व करें. फिर भी अगर वो डिफिकल्टीज रहती हैं, then you are free to WhatsApp me your difficulty or make a call. मुझसे डाउट पूछने में कॉल पे या फोन पर आप किसी भी टीचर से किसी भी टाइप का डाउट करने पूछने में हिचकिए मत, क्योंकि आप जितना लेट करेंगे, जितना हिचकेंगे, लॉस आपका है. एंड वी आर हियर टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल मेथड्स. सो जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व योर डिफिकल्टीज. थैंक्स फॉर लिसनिंग पेशेंटली टू दिस लेक्चर एंड विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद मोर मिसलेनियस प्रॉब्लम्स. थैंक यू.